आर्यन गांव का ही व्यक्ति था तो दोस्तों ने उसकी बात मान ली, पर उसे टोकते हुए सोनम ने कहा, तुम लोग भूत देखने आए हो या इस किले को? अगर हमें भूत या कुछ भी देखना है तो हमें इस किले में चलना ही चाहिए। सोनम की बात तो सही है, पर मुझे डर लग रहा है यार, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज धड़क रही है, डरती हुई आवाज में राघव ने बोला। तो फिर यहाँ आया ही क्यों था? तब तो बहुत बोल रहा था कि मुझे भी भूत देखना है, मुझे भी भूत देखना है। अब आया है तो मिलकर जाना उससे। ज्योति ने अपने डर को छुपाने के लिए ये शब्द सबके सामने राघव से कहे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चलो ना, कहाँ चलना है? राघव ने कहा। आर्यन भी कुछ ना कहते हुए सबके साथ किले पर चढ़ने लगा। सब ऊपर चढ़ रहे थे कि सोनम को शरारत सूझी। उसने राघव के पीठ पर उसे डराने के मकसद से धीरे से हाथ रखा कि राघव जोर से चिल्लाया, ओ मम्मी! इतने तीनों जोर से हंसने लगे। पर किले पर चढ़ते हुए चारों को एक पल ऐसा लगा कि उन चारों के पीछे भी कोई चल रहा है। इससे पहले कि ज्योति अपनी गर्दन को पीछे मोड़कर देखती कि आर्यन ने उसे पीछे नहीं देखने को कहा। पापा ने क्या कहा था, भूल गई हो क्या कि पीछे मुड़कर मत देखना? रूल नंबर 1 ही भूल गई? और ज्योति ने आर्यन को देखा और आंखों आंखों में थैंक यू कहा। शाम के 6 बज चुके थे और तीनों ने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा, और सोनम पेड़ से अपनी पीठ टिकाकर खड़ी हुई कि एक उल्लू उसके कान के बगल से उड़ चला। सोनम जोर से चिल्लाई, ओह! पर इस बार कोई नहीं हंसा, क्योंकि अब सबके दिल में उस उल्लू को देखकर डर लगने लगा था। सब डर चुके थे। कुछ आराम करने के बाद पानी पीकर वो लोग चलने लगे, और किले के ऊपर पहुंचकर थक जाने के कारण वो फिर आराम करने लगे। आर्यन ने कहा, मुझे लगता है कि अब हम सभी को खाना खा लेना चाहिए, ये गांव है, जल्द ही रात हो जाएगी। सभी ने अपने अपने लंच बॉक्स निकालकर खाना खाया, और खाना खाने के बाद सोनम ने अपने बैग से बेडशीट निकालकर बिछाई और सभी उस पर लेट गए। सभी लेटे हुए थे कि राघव थोड़ा घूमने अकेला ही निकल गया, और रात हो चुकी थी। वो किले में दिखने वाले एक अंधेरे कमरे के दरवाजे में देखने लगा। तभी उसमें से एक बिना हाथ वाला आदमी दौड़ता हुआ निकला। उसके साथ चमगादड़ों का एक बहुत बड़ा समूह था। उसकी दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज थी। वो काले रंग का था, जिसे देखकर राघव उसकी विपरीत दिशा में भागा। एक रोने की आवाज की ध्वनि उसके पीछे से आ रही थी। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी गर्दन पीछे ही रह गई, और वही बिना हाथ वाला आदमी जोर जोर से यह कहकर हंस रहा था, पीछे क्यों देखा, पीछे क्यों देखा। राघव के मुंह से खून निकलने लगा और वो जोर जोर से कांप रहा था। सभी ने राघव को लेटे हुए कांपते देखा। वो सो रहा था, ये उसका सपना था, एक डरावना सपना। सोनम ने उसे हिलाकर आवाज दी, राघव, राघव। राघव नींद से उठा और जोरों से चिल्लाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल होकर उसने बताया, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। तीनों उसे देखकर हंसने लगे। अब किसी को नींद तो आ नहीं रही थी, तो सभी ने मिलकर किले के अंदर जाने का निर्णय लिया। सभी किले के मुख्य द्वार में प्रवेश कर गए। किला लगभग खंडहर था, पर उसमें कई कमरे बने हुए थे। उनके हाथ में टॉर्च थी। एक कमरे में अंदर जैसे ही आर्यन ने टॉर्च का प्रकाश फेंका, तो कमरे में उन्हें कई चमगादड़ लटके हुए दिखाई दिए, और एक कंबल में जो काफी फटा हुआ था, मानो उसमें कोई सांस ले रहा था, जैसे कि कोई ओढ़ कर सो रहा हो। उसकी ऊंचाई कुछ ज्यादा नहीं थी, पर उस कंबल को उठाने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी कि उसके अंदर कौन है ये पता लगाया जाए। हालांकि कोई हरकत उस कंबल में नहीं हो रही थी। राघव और ज्योति काफी डर रहे थे। फिर आर्यन बाहर निकला और एक पेड़ की सूखी डाल लेकर आया।
उस सूखे डंडे से उसने कंबल उठाने की कोशिश की। चारों की दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जैसे ही आर्यन ने उस डंडे से कंबल को उठाया, एक तेज प्रकाश के साथ सभी को दिखना बंद हो गया। उनकी टॉर्च जलना बंद हो गई। दोनों लड़कियां चीखने के साथ ही रोने लगी। आर्यन के गले से ज्योति लग गई और राघव सोनम के गले से चिपट कर रोने लगा। जब पता चला तो ज्योति सोनम के गले और राघव आर्यन के गले से चिपट कर रोने लगे। सभी बेहद डर गए। किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, न तो बाहर निकलते बन रहा था और न ही अंदर कुछ दिख रहा था। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और सभी धीरे धीरे शांत हुए। सोनम ने अपने बैग से रेडियम का एक छल्ला निकाला जिससे थोड़ा सा प्रकाश हुआ। वो आगे रास्ते के लिए दरवाजे तक आए कि आर्यन ने पीछे मुड़कर उस कंबल को देखने का प्रयास किया, पर उसे आर्यन के पापा की बात याद आ गई। सभी सोच रहे थे कि आखिर उस कंबल में था क्या। दरवाजे से बाहर निकलकर आगे बढ़ ही गए थे कि कुछ बाटों की बुगाहट उन्हें सुनाई दी और उस आवाज की तरफ सभी आगे बढ़ने लगे। ये आवाज कहां से आ रही है? उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कोई उनसे जल्दी उस कमरे में से निकलकर दूसरे कमरे में जा रहा है और वो चारों भी उसी दिशा में जाने लगे। दोस्तों, इस श्रृंखला के आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इसे सब्सक्राइब करना।